हुसैन तेरा तौबा तौबा तौबा, ये गाना बहुत ट्रेंडिंग है, तो आप समझ जाओ मैं किस टाइम ब्लॉग पे जा रहा हूँ मनाली। तो भाई ये हमारी बस है जहाँ जाएगी, और अपने लोग देखो भाई सारे के सारे लोग देखो, हाँ ये रहे, अरे एक और ये छुप गए हैं। ठीक है, तो अभी बस में हम लोग बैठेंगे, अभी रात को अंधेरा हो रहा है, खाए भी कुछ नहीं है, कल सुबह जब होगी कल सुबह जब होगी तब आपको रियल चीज़ बताएंगे हम। ठीक है भाई, तो भाई एज पब्लिक डिमांड मुझे बोला गया है कि मुझे तौबा तौबा का डांस स्टेप करना है, बट अजय देवगन बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं उनका डांस स्टेप करूँगा, तो गाना बजा देना पीछे। हम मनाली पहुंच चुके हैं और हमने टैक्सी करी है अपने होटल जाने के लिए, बहुत एक बड़ा लग्जूरियस होटल करा है हमने, ताज के बगल में ही है वो, पहुंच रहे हैं अभी, दिखाएंगे यार अब। भाई हम होटल हम लोगों ने कर लिया, लेकिन हम आपको होटल दिखाएंगे रात को, क्योंकि अभी हम निकल गए हैं, रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, और अभी अच्छा मौसम हो जाता है, बारिश का मौसम हो रहा है अभिनव जी, ये बताओ अंधेरा हो रहा है, ले लेंगे स्कूटी। तो भाई हमने बस स्टैंड से मनाली के, और कहाँ गए थे हम, होस्टलर लॉगहट्स ओल्ड मनाली, 300 रुपये लगे, और आप हम बढ़िया अर्टिगा में आए हैं, मोटी वाली गाड़ी में, 300 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा देना मत किसी को, होगी मुझे लग रहा है पूरी हो जाएगी। घंटा दो घंटे क्या है अंडू नहीं यार, ये कोई फ्रूट लग रहा है भाई, ये तो ड्रैगन फ्रूट है, अभी हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी, ये तो क्रिसमस की टाइप है, ऐसी लग रही है, देवदार होता है ना, देवदार, हाँ देवदार पेड़, देवदार जो वो पाइन हो जाता है वो ब्राउन कलर की स्किन। भाई हम बाइकर पॉइंट मनाली पर आए हैं, ये सारे लोग यहाँ से ही बाइक लेते हैं, और बाइक के लोग इनको हार्ले, ये हार्ले डेविडसन है आपकी, ये हिमालयन है, ये बुलेट है, और ये सारी बाइक अवेलेबल हैं यहाँ पर, ये ड्रॉइंग वाली बढ़िया लगती। तो गाइस थोड़ा सा प्लान में चेंज है, आप देख सकते हैं बारिश आ रही है बाहर, हम सब ने रेनकोट ले लिए हैं, जब भी कोई सिचुएशन आए उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए, ये नहीं कि हार मान के बैठे, रेनकोट पहन लिया हमने, अब चलो ब्लू वाला हो तो जादू लगूंगा मैं पूरा, है ना, अब जादू ही तो लग रहा हूँ, येलो ही तो होता है उसका, ये पूरा हाँ येलो होता है, वो अंदर से ब्लू होता है वो अलग बात है। तो गाइस हम यहाँ कैफ़े में आके हमने पिज़्ज़ा वीज़ा ऑर्डर कर लिया है, ये देखो पिज़्ज़ा है साबा कैफ़े का, ये अपना डोक खुद बना, इन्फॉर्मेशन दे दो, वही ये अपना डोक खुद बनाते हैं, और मनाली की सबसे ओल्डेस्ट शॉप है, मैं 13 साल पहले आया था तब भी ये शॉप थी, बढ़िया थी, ठंड लग रही है तो ले लो, आगे भी काम आई ले लो, 300 में 4। तो भाई हमने बाइक वगैरह रेंट कर लिया, ये एक हमने ली है एंटॉर्क स्कूटी, और एक हमने ली है अपनी बुल्ट, बारिश हो रखी है तो अभी रेनकोट पहनना पड़ेगा, आप बाइक रेंट कर लिया, ठीक है चलो मिलते हैं रस्ते में। एक जोड़ू है, एक
फाइनली पहुंच चुके हैं राइड वाइड करके, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन पहुंच गए। मनाली में तो बारिश हो रही थी लेकिन यहाँ एकदम सूखा मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, काफ़ी खाली है और क्या और कुछ खा लेते हैं अभी और फिर दोबारा से निकलते हैं कहीं। डॉगी भाई, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, पानी मिलेगा धोने के लिए। कहाँ रह गए, इधर देखो ना उधर। Yo bro, what's up you beautiful people? People us. देखो जी हमें तो बड़ा मजा आ रहा है पर तुम्हारा तो ऑफिस चल रहा होगा इस टाइम, इसलिए कहते हैं नहीं इसमें कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा जो ठंडी हो सके। कई बार चल रहा हम भी उल्टा पड़ रहे हैं। बाइक हमें दूसरी चूज़ करनी है कल के लिए, क्योंकि कल भी हमें ट्रैवल करना है ना, तो इनमें से कुछ ऑप्शन हमें मिले हैं। हम सोच रहे हैं कि हम हंटर ले लें या वाइट वाली या तो इनमें से कोई ले लें। अच्छा तो हंटर करिए फाइनल, ये वाइट वाली। तो अभी मॉल रोड वगैरह घूमते हैं और फिर वापस आके ये बाइक उठाते हैं, अपने हॉस्टल चलते हैं। शुरू करो। हो गई तो गाइस अब हम आ गए हैं मॉल रोड पे, आ जाओ। ये देखो यहाँ पर आपको सब मिलेगा, शॉपिंग, खाना पीना और भी चीज़ें बढ़िया बढ़िया हैं यहाँ, और डॉगी भाई भी है। और यहाँ पर आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे माल लेना है माल, तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पर। आंटी जब भी हमें सिड्डू देंगी बढ़िया सा और बताएंगे कि क्या ये सिड्डू बढ़िया है या नहीं है, टेस्ट करके बताएंगे, ऑनेस्ट रिव्यू। सिड्डू का रेट भी, सिड्डू का रेट है 60 रुपीज। आप लोगों का हाँ जी बैठ के खाओ ना। हाँ जी बहुत ज्यादा क्या पता है भी ना हो इतना, ये तो बहुत बड़ा है यार। अरे खा के देखो कुछ है यार, खा तो देंगे टेस्ट कर लो। देखो ये तो बढ़िया कुलचा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, स्मेल्स गुड। सिड्डू जी ये बडेरा डॉक्टर का फोन आया, बडेरा डॉक्टर हो गया हो गया। तो मैं बताना चाहूँगा बस स्टैंड के पास ये जो दुकान है इसके आलू प्याज के पराठे और अंडा पराठे बहुत ही एक नंबर, और इसी गली में जाके तुम्हें जैकेट वैकेट मिलेगा। ये है मनाली की फेमस मोनेस्ट्री,
मेरे हिसाब से अंदर से तो ताला लगा है। रात का समय है, हम अपने होटल से निकल चुके हैं और खाने के लिए तलाश में हैं हम लोग। कुछ खाने को मिल जाए बढ़िया सा, तो ओल्ड मनाली घूम लिया है वहाँ सारे, मतलब इंडियन तो नहीं मिला है लेकिन कुछ कैफेज दिखे हैं जहाँ पर इंडियन मिल सकता है, तो इनमें से किसी एक कैफे में जाएंगे और आपको दिखाएंगे अंदर का। भाई हम लोग ओल्ड मनाली के मनालसू कैफे में आ गए हैं। वाइब देखो, कैफे की वाइब चेक करो, गाने बढ़िया चल रहे हैं। ऑर्डर करा, खाने पे डिसाइड करेंगे कैफे है अच्छा है या बुरा है। वो का है मशीन चला गया। चले चले आ जाओ, लोड कर लो, लोड मैं नहीं खड़ा भाई। वो कुत्ता आ गया अंदर, कुत्ता आ गया अंदर। तो गाइस हम मान, क्या नाम है कैफे का? मनसा कैफे, मनालू मैं ऐसी कुछ नाम है, मनालसू कैफे में हम आ चुके हैं। चिकन कड़ी उनकी एरी देखो, देखो फ्लेवर्स अच्छे हैं, पनीर बटर मसाला में एक्चुअल में बटर का फ्लेवर आ रहा है। इनका प्याज ना लग रहा है कि भाई मैं प्याज ही खा रहा हूँ सच में। नींबू क्यों होना चाहिए खट्टा, खट्टा ही है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे टू। और कल भाई मनाली पहुंचे थे, मनाली एक्सप्लोर किया था, और आज अपन लोग निकल रहे हैं मनाली से कसौल के लिए। दिन हो रहा है शनिवार, शुरू करते हैं शानदार ब्लॉग को।